दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों तो होमगार्ड जवानों से संबंधित सभी प्रदेशों की छोटी बड़ी खबरें पाएं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों तो बिना समय गवाए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों खबर निकल कर आ रही है होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश से दोस्तों, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आपको बता दें जिसका विषय है मस्टर रोलों के ऑनलाइन जनरेशन हेतु पर्यवेक्षकीय कर्मिकों एवं उपयोगकर्ताओं यानी कि यूज़रों की लॉगिन आईडी तैयार कर क्रियाशील कराने के संबंध में दोस्तों, जिससे कि उनका वेतन ऑटो जनरेट हो सके। हाँ जी दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, ये खबर होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। आप अवगत हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभिन्न ड्यूटियों पर तैनात किए जा रहे समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रतिदिन की उपस्थिति ऑनलाइन भरने हेतु उनके मस्टर रोल ऑनलाइन करने की प्रक्रिया NICC के सहयोग से प्रचलन में है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 6/1/2020 को संपादित साप्ताहिक बैठक को निर्गत कार्यवत दिनांक 6/1/2021 के क्रम में आपको निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल जाननी आवश्यक है। हाँ जी दोस्तों, जो नंबर एक पर जिला कमांडेंट द्वारा अपनी लॉगिन आईडी लेकर अपने अधीनस्थ तैनात समस्त फील्ड स्तरीय कर्मिकों को यथा वैध निरीक्षक, वैध प्लाटून कमांडर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर, हवलदार, प्रेक्षकों की लॉगिन आईडी तैयार की जाएगी। इस हेतु NICC द्वारा प्रत्येक जिन कमांडेंट की आईडी पर प्रतिवादन कर दिया गया है पर्यवेक्षक के कर्मियों की आईडी तैयार करने हेतु जिला कमांडेंट द्वारा तैनाती स्थल यूजर प्रबंधन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात खुलने वाले पेज पर पर्यवेक्षक लॉगिन प्रबंध का ऑप्शन विकल्प करना होगा, जिसके बाद संबंधित पर्यवेक्षक की कार्मिक का नाम, उनका पद, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा मानव संपदा पोर्टल पर संबंधित कार्मिक की आईडी ऑप्शन नियत स्थानों पर भरी जानी होगी। सभी पर्यवेक्षी कर्मिकों की आईडी तैयार कर लेने के पश्चात जनपद के समस्त ड्यूटियों को इन पर्यवेक्षकीय कर्मिकों के मध्य आवंटित किया जाएगा। जिला कमांडेंट द्वारा पर्यवेक्षकीय कर्मिकों को विभिन्न ड्यूटी स्थलों से लिंक करने हेतु तैनाती स्थल यूजर प्रबंधन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात खुलने वाला पेज पर्यवेक्षकीय ड्यूटी स्थल एवं डी लिंक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद पर्यवेक्षक ड्यूटी स्थल का चुनाव हुए लिंक अथवा डी लिंक की कार्रवाई की जा सकेगी। पर्यवेक्षक के कर्मिकों के ड्यूटी स्थल को लिंक करते समय ये प्रयास किया जाए कि आवंटित किए जाने वाले ड्यूटी स्थल यथासंभव दूसरे के निकट हों, जिससे पर्यवेक्षक के कर्मिक उनका पर्यवेक्षण करने में सुविधा रहे। प्रत्येक कर्मिक से ये अपेक्षा की जाएगी कि वो जिला कमांडेंट द्वारा निर्धारित की जाने वाली संख्या के अनुसार भिन्न भिन्न ड्यूटी स्थलों पर पर्यवेक्षण प्रतिदिन करना सुनिश्चित करेगा। दोस्तों वहीं तीसरी खबर है दोस्तों कि ऑनलाइन उपस्थिति भरने तथा मस्टर रोल तैयार करने हेतु ड्यूटी स्थलों पर यूज़र की लॉगिन आईडी को क्रियाशील किए जाने की आवश्यकता होगी, जिससे उसका संचालन उपयोगकर्ता अधिकारी विभाग द्वारा किया जाएगा। समस्त ड्यूटी स्थलों पर यूज़र की लॉगिन आईडी NIC द्वारा तैयार की जा चुकी है। इनके क्रियाशील किए जाने हेतु प्रथम जिला कमांडेंट को समस्त ड्यूटी स्थलों के नाम पर पदनाम, मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी संबंधित यूज़र से प्राप्त करने होंगे तथा इन्हें अपने लॉगिन आईडी से फीड करना होगा। पर्यवेक्षक कर्मियों की आईडी तैयार करने हेतु जिला कमांडेंट द्वारा तैनाती स्थल पर यूजर प्रबंधन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात खुलने वाले पेज पर ड्यूटी स्थल तथा यूजर संशोधित करें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद खुलने वाले पेज पर संबंधित ड्यूटी का स्थल चुनाव करते हुए वंचित सूचना जैसे नाम, पद, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फीड करना होगी। समस्त ड्यूटी स्थलों यूजरों के विवरण उपरोक्त अनुसार फीड करने के लिए पश्चात उन्हें उनकी लॉगिन आईडी का विवरण उपलब्ध कराते हुए उन्हें लॉगिन आईडी को क्रियाशील करने हेतु अनुरोध किया जाएगा। आपने लॉगिन आईडी को क्रियाशील करने के लिए प्रत्येक यूजर को फॉरवर्ड पासवर्ड और पासवर्ड पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात उसके मोबाइल नंबर पर भेजने वाला OTP को निर्धारित स्थान पर अंकित करते हुए नया पासवर्ड बनाना होगा। नए पासवर्ड खोलने की क्रियाशील की जाएगी। आईडी को क्रियाशील हो जाने के पश्चात संबंधित यूजर होमगार्ड की उपस्थिति देख सकेंगे तथा होमगार्ड के अनुपस्थित होने पर उसे अनुपस्थित कर सकेंगे। आपसे अपेक्षा की जाती है कि बिंदु संख्या 1-2 से संबंधित समस्त कार्रवाई दिनांक 7/1 तक तथा बिंदु कार्रवाई 15/1 तक प्रत्येक दिशा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। रणजीत सिंह, डिप्टी कमांडेंट जनरल। दोस्तों ये रही खबर होमगार्ड जवानों की दोस्तों लॉगिन आईडी को लेकर दोस्तों, जिसका पूरा प्रोसेस दोस्तों इस खबर में बता दिया गया कि आपको लॉगिन आईडी को क्रियाशील कैसे करना है, आपको अपनी लॉगिन आईडी कैसे तैयार करना है जिससे आपकी उपस्थिति अनुपस्थिति दोस्तों लग सके। तो दोस्तों इस खबर को आप सेव कर ले दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या दोस्तों आप वीडियो सेव कर सकते हैं।
दोनों खबर आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों ये संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी? दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो बिना समय गवाए वीडियो पर एक लाइक ठोक के जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।